हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस द इमेज। ओके, सो हमारे पास एक कन्वर्जेंट लेंस के बारे में कहा जा रहा है। सो लेट अस सी दैट दिस इज द कन्वर्जेंट लेंस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। सो ये कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो होती है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द लेंस इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द लेंस विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनली फोकस पे आके ये रुक जाती है। हमें क्या बताना है कि इमेज जो है उसका क्या होता है। इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स टूवर्ड्स द लेंस विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए बेसिक से चालू करते हैं। अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट फोकस पे आती है तो इमेज जो होगी वो फोकस से लेके इन्फिनिटी पर जाएगी, यानी जो इमेज है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। सो सबसे पहला तो मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, इमेज जो है मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस। ये चीज समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जाएगी वो। अब सोच के देखो, अगर यहां पे मैं बात करूं 2F की, सपोज किसी पोजीशन पे यहाँ पे ये 2F पे रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो जब ये 2F पे होगा तो क्या इमेज भी 2F पे होगी? अब सोच के देखो, 2F से F तक आने में जो फाइनाइट डिस्टेंस कवर हुआ है F, उस समय में इमेज जो है वो 2F से लेके इंफिनिटी तक चली गई, तो ये तो पक्की बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या बचा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये गलत हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दो है, लेकिन हमारे पास मूव्स अवे या मूव्स टुवर्ड्स, मूव्स अवे, ये गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल द बेस्ट।